धर्मनगरी वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव में मुख्य आकर्षण बड़ी आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान रंगनाथ के साथ ही भक्तों ने आतिशबाजी का जमकर आनंद लिया। श्री रंगनाथ मंदिर में चल रहे 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन सुबह और शाम निकाली जा रही स्वर्ण रजत के दिव्य वाहनों की सवारी की श्रृंखला में शुक्रवार रात्रि को स्वर्ण घोड़े की सवारी निकाली गई, जिसमें श्री रंगनाथ भगवान सोने के घोड़े पर सवार होकर रंगजी की बड़ी बगीची पहुंचे, जहां अल्प विश्राम के बाद ठाकुर जी ने बगीचा के बाहर विशाल मैदान पर आयोजित बड़ी आतिशबाजी का आनंद लिया। वहीं आतिशबाजी शुरू होने से पूर्व ही मैदान पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ एकत्रित होने लगी और ठाकुर जी की सवारी आते ही भक्तजन राजा के रूप में स्वर्ण घोड़े पर सवार अपने आराध्य की इस मनोहारी झांकी के दर्शन कर आनंदित हो गए और जय जयकार करने लगे। इसके साथ ही भक्तों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। लगभग 2 घंटे तक चली आतिशबाजी से जहां पूरे मैदान समेत आसमान में रंग बिरंगी रोशनी चमक उठी, वहीं धमाकों की तेज आवाज नगर में गूंजती रही। महाकाल शर्मा, आज रंगनाथ भगवान घोड़े पर बैठ के आया आतिशबाजी में, क्या क्या बोलेंगे? रंगनाथ भगवान साल में एक बार उत्सव होता है, 10 दिवसीय उत्सव होता है, बहुत सुंदर उत्सव होता है। रंगनाथ भगवान उसमें बैठ के आते रथ में और बगीचे में आते हैं और बड़ी सुंदर आतिशबाजी हो चुकी है और बहुत अच्छे जो बम सूटली फटाके बहुत अच्छे चल रही है, बहुत ही आनंद आया है। धर्मनगरी श्रीधाम वृंदावन में साल में एक बार उत्सव होता है, यहाँ के ब्रजवासी बहुत ही आनंद मगन होते हैं और ऐसा उत्सव भगवान हर साल ही चलता रहे, हर 12 महीने चलता रहे। ये ब्रज में उत्सव की कमी नहीं होती है, भगवान के धाम में आनंद आता रहता है। दुनिया दूर दूर से आई है, बहुत प्रांत से दूर आई है, बम्बई महाराष्ट्र जन कितने दूर से आई है और आतिशबाजी का बहुत आनंद आया है। बोल रंगनाथ भगवान की जय। आतिशबाजी का आनंद उठा रहे हैं।